वेलकम टू माई कुकिंग एंड मोर वंस अगेन। और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चीज़ी एक पराठा। तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 अंडे, मैं यहाँ 2 पराठे बना रही हूँ। उसी के साथ ही गेहूँ का आटा गूंद के लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने हाफ शिमला मिर्च को बारीक काटा है, एक छोटा सा प्याज को बारीक काट के लिया है, और दो हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे बारीक काट के लिया है, 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर, ग्रेटेड चीज़ मैंने यहाँ पे मोजरेला और प्रोसेस चीज़ दोनों को आधा आधा यूज किया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, और ये नमक स्वाद के अनुसार, रिफाइंड कुकिंग ऑयल, और मैं यहाँ 2 पराठे बनाने के लिए 2 आटे के गोले ले लिए और कुछ सूखे आटे लिए हैं। मुझे इन आटे की बॉल को एक चपाती की तरह बेलना है, कुछ इस तरह से। कोशिश कीजिए कि आप कम से कम सूखे आटे का इस्तेमाल करें, इससे चपाती नरम बनता है। इसे मुझे पतला बनाना है। अभी ये बनके तैयार है, ऐसे ही मैं दूसरे आटे की भी चपाती बना लूंगी। अभी मैं अंडे का मिक्स तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने एक अंडा लेके उसे एक मग में तोड़ के डाल दिया। मैं इसमें अभी नमक मिला दूंगी, कटे हुए प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च और हरी मिर्च भी डालना है मुझे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया, अभी मैं थोड़ा सा डालूंगी, बाद में मुझे और थोड़ा डालना है काली मिर्च। इन सब चीज़ों को मुझे अभी मिक्स करना है। मिक्स हो गया है, देखिए कुछ इस तरह से। अभी मैंने एक फ्राइंग पैन को गैस स्टोव पे रख दिया, अब मैंने गैस स्टोव ऑन कर लिया है। जैसे ही फ्राइंग पैन गर्म हो जाए मैं उसके ऊपर एक चपाती डाल दूंगी। जब एक तरफ से ये हल्का सा पक जाए फिर मैं इसे पलट दूंगी दूसरी तरफ से भी पकाने के लिए। देखिए जब इस तरह से ऊपर से बबल आने लगे मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी, और इसे हल्का सा दबाते हुए मुझे दोनों तरफ से कुक करना है। मैं दूसरी तरफ से भी इसमें तेल डाल दिया। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि दोबारा हम इसे अंडे के साथ भी कुक करेंगे। अभी इसे हम बाहर निकाल देते हैं। उसी फ्राइंग पैन में मैंने दोबारा 2 टीस्पून तेल डाल दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए मैं उसमें अंडा डाल दूंगी। ये ध्यान में रखिए कि आप जैसे ही अंडा डालें तुरंत आपको उसके ऊपर चपाती डालना है। अगर थोड़ा सा अंडा कुक हो गया तो चपाती के साथ वो चिपकेगा नहीं। ऐसे मुझे दबाते हुए इसे पकाना है। अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ उसमें, और देखिए ये अभी अच्छे से कुक हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मैं इसके ऊपर ऐसे टक्स कर दूंगी ताकि अंदर से अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा है तो कुक हो जाए। अभी मैं इसके ऊपर ग्रेटेड चीज डाल दूंगी कुछ इस तरह से, चारों तरफ इक्वली स्प्रेड करते हुए। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। अब ये तैयार है, बस इसको मैं फोल्ड कर लूँगी, और चीज़ को मेल्ट करने के लिए मुझे दोनों तरफ से इसे हल्का सा दबाते हुए पकाना है। अभी मैं इसे सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। देखिए चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है।
मैं दूसरे चपाती को भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए कुक कर लूँगी। और कुक करने के बाद मैंने उसे दो पीसेस में कट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये बनाई हुई सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे दूसरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए।